साथियों नमस्कार। रविवार को बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी की आक्रोश रैली, वैसे तो जगत महान मीडिया संस्थान द्वारा लाइव प्रसारित की गई और सबने भीड़ भी देखी और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष उद्यभान ने मंच से जो भी कहा आपने सुना। साथियों चुनाव की आहट में रैलियों के कई मायने होते हैं, लेकिन इन दिनों रैलियों की एक रेलम्पेल सी चल भी रही है, जहां भाजपा ने कल पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मिशन 2024 का आगाज कर दिया तो देश में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के लिए निकल पड़ी है। इसी गहमा गहमी को देखते हुए 2024 में टक्कर कैसी होगी, इसका आगाज अभी से दिखने लगा है। ज्ञात रहे कि बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ऐसे समय विधायक बने थे जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था, मगर इस क्षेत्र के लोगों ने हुड्डा को अपने पन का एहसास दिलवाते हुए इंदुराज को विधानसभा में भेजा। यही नहीं 2000 में जब हुड्डा विधायक थे तो बड़ौदा में वे पहली बार आए और लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया। उसी दौरान 2005 में वे सीएम बने। अब फिर हुड्डा को लगता है कि जीत की शुरुआत क्यों न बड़ौदा से की जाए और लोगों का टेस्ट भी लिया जाए कि आज भी उनका जलवा इस क्षेत्र में कायम है या नहीं, जिसका असर आज देखने को मिला। जहां वे जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे, वहीं कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश देखने को मिला, जिसमें कार्यकर्ता अनूप मलिक ने आज पार्टी के प्रचार के लिए रथ रवाना किया तो हरियाणवी वेशभूषा में रेखा मलिक, नीलम बालियान और अन्य अनेक महिला नेत्रियों की अगुवाई में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रैली में दिखाई दी, जिसने भाजपा को सर्दी में गर्मी का एहसास करा दिया। अब मैं बड़ौदा पहुंच चुकी हूं। रैली स्थल से पहले देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं एक पारंपरिक पोशाक में आई हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं तैयार होके। रेखा मलिक की प्रधान है और रेखा के नेतृत्व में ये हजारों महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं आए हैं। कहाँ से आए हैं? तेनाना गाँव से। तो आप इतनी सुंदर लग रही है, एक बार डांस भी करके दिखा दे मुझे। ये इतना चाव है इनके अंदर, ये उड़ा साहब का, दीपेंद्र साहब का। ओके। और मारे विधायक जो इंदुराज भालू का। हाँ। आज तो ना मतलब घूंघट भी खोल दिया इन्होंने। हाँ। रैली के लिए रेखा से मैं बात करना चाहूंगी। रेखा जी, ये सब आपके नेतृत्व में आए? हाँ जी, ये मेरे नेतृत्व में आए हैं। ये जेवर पहन के आए? रैली में कोई तोड़ कर ले गया तो? नहीं, ऐसे कैसे तोड़ के ले जाएंगे। ये हुड्डा साहब की खुशी के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खुशी के लिए ये हरियाणवी कल्चर दिखाना चाहते हैं और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अब भी लागू है। हरियाणा की जो औरतें हैं ये पहनावा भी भूली नहीं है और पहन के बड़ी खुश से बड़े जोर शोर से रैली का पूरा रैला दिखाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये देख सकते हैं महिलाओं का जोश, पहली बार देख रही हूँ मतलब महिलाओं में राजनीतिक जोश है। महिला एकता। आज तो आप भी चुंदड़ी चांदड़ी ओढ़ के आए हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे और पूरे बड़ौदा की महिलाओं को बड़ा जोश है महंगाई से सिलेंडर। आज तो महंगाई तो वो बोलेंगे, आप अपना जोश बताओ कैसा। हमारा जोश है क्योंकि महंगाई में वो बोलेंगे। आने वाली सरकार हमारी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री। वाह जी वाह। सीमा खासा है, गांव की सरपंच है, वो अपनी रैली जो पूरा करेंगे। और देखो कितनी महिलाएं आई हुई है यहाँ पे, इनमें बहुत जोश है। हुड्डा सरकार आए अब की बार। बिल्कुल, मतलब 33% जो आरक्षण की बात आई थी महिलाओं की, वो आरक्षण से पहले ये खुशी देखी जा सकती है। आज ये भूपेंद्र हुड्डा की खुशी में बड़ौदा पहुंची है, रैली स्थल से पहले इनका देखा जा सकता है इनका जोश। भाजपा जहां 10 सीटों को जीतने के लिए कल पंचकुला से जेपी नड्डा ने शुरुआत की थी, वहीं दो दो हाथ करने के लिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से जन आक्रोश रैलियों की शुरुआत की है, उस रैली में हवन डालने के लिए अनूप मलिक से मैं बात करना चाहूंगी। अनूप भाई, आज ये रथ देख बड़ा रंग बिरंगा कहां लेके जा रहे हो इसको? नमस्कार जी, स्वागत है। दिल्ली है और हुड्डा साहब का गढ़ है यहाँ पर है और हुड्डा साहब की इतनी बड़ी रैली होगी, पूरी 90 की 90 विधानसभा की रैली, ये बड़ौदा रैली।
की आस रच देगी। ये अनूप मलिक को ये क्या सुझाव है इतना लंबा काफिला लेके और ये रथ लेके? मैं देख रही हूँ जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो घोषणाएं शुरू की है रैली को लेके, ये सारे आप लेके चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी हमसे पाई है, कांग्रेस पार्टी ऐसे पाई है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जैसे पाई है, हम हर जन जन तक इसका प्रचार करेंगे और 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम करे वह जनता का याद आ गए हैं। 36 बरादरी के काम किए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आज हम इसी का प्रचार पूरी लोकसभा में करने जा रहे हैं। ऐसे तो अनु बाकी जो जो भी मतलब दावेदार रहे उनको पसीना आ गया इस सर्दी में? उधर बहन जी अपने हम कार्यकर्ता हैं, हमने अपना काम करना पार्टी के लिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के लिए। तो ये प्रचार जो आपका रथ है ये पूरी लोकसभा सोनीपत में घूमेगा? हाँ, सारी। कब से कब तक है जैसे आज आप शुरुआत कर रहे हैं? जब तक इलेक्शन होएगा जब तक हम प्रचार करते रहेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। ये थे हमारे साथ अनूप मलिक, इन्होंने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये रथ इनका जारी रहेगा। भूपेंद्र हुड्डा का फोटो है उस पर, एक साइड अनूप मलिक का है। 100 गज ये मुफ्त प्लाट देने की बात है, 3136 करोड़ रन माफ है। मतलब हुड्डा साहब अपनी रैलियों को लेके ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, पदक लाओ पदक खेल नीति। देखते आने वाले समय में जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से और इस वक्त के माध्यम से लोगों को किस तरह से जोड़ पाते हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। भले ही ये रैलियों में भीड़ का दावा करे लेकिन वो भीड़ जीत में तब्दील होगी, ये देखना अभी बाकी है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार। रैली को भारी संख्या में नेताओं ने संबोधित किया, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा रहे, जिन्होंने बड़ौदा को अपने पन का एहसास कराते हुए यहां की जनता से टक्कर लेने की हामी भरवाई और चुनाव में साथ देने का वादा लिया। मैं इस बात की लेकर आया हूं कि भाई वैसे तो यूं कहा भाई कह रहे थे 76 साल का, मैंने कहा 76 साल उम्र बहुत होती है, लेकिन मेरे को उम्र की बात नहीं है, ना मैं रिटायर हूँ ना मैं टायर्ड हूँ, मैं तो आपकी जात लेने आया हूँ, इससे एक लड़ाई लड़ना चाहता हूँ आर पार की। आप साथ दोगे ना? अब सवाल इस बात का, 10 में 5 मिनट का सवाल इस बात का है, आप ये पूछ सकते हो कि भाई हम तो साथ देंगे, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे? ये मैं समझता हूँ कि और इतनी सर्दी में इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये आपकी भावना। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।